पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने इंसान की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चंद रुपए कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता था। पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गिरोह के कई और मेंबर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये लोग नकली ब्रांडेड शराब बनाकर गाँव में बेचते थे। बठिंडा के साथ साथ ये लोग फरीदकोट, मुक्तसर, मानसा, बरनाला में भी इस शराब का गोरख धंधा करते थे। पुलिस ने इनसे करीब 1000 शराब की बोतल और रॉयल स्टैग, ब्लैक डॉग, वेट 69 के हजारों लेबल व सीलें बरामद की हैं। चंदबन पिंड है जी, ये साढ़े जिले की हज है। इतने एक गिरोह, एक बॉटलिंग प्लांट जिहड़ा इलीगल किसी के घर चल रहा है वह फड़िया गया। तो 900 तो 1000 तक बॉटल्स ते लेबल्स जिहदे च शराब की बोतलों के लेबल ढक्कन सरकारी सील खोखे इन्हों के काटन ये मिले सानू वड्डी मात्रा 3000 के करीब। तो सारा समान जिहड़ा सीगा ये आंदा सीगा दिल्ली तो, कोई पटियाले की पार्टी है वो चैनल करती सीगी फ्रॉम दिल्ली टू पटियाला, पटियाला तो बठिंडा। तो ये गिरोह जिहड़ा सीगा ये एक्टिव सीगा 6 जिलों च, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, बरनाला। बठिंडा से अजार टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ कुणाल बांसल की रिपोर्ट।